शिव योगिनी, कर्म योगिनी, रणरागिनी, महारानी अहिल्या देवी की प्रेरणा से उन्हीं के शब्दों में मैंने उन्हीं को समर्पित करते हुए मैं अहिल्या हूँ आत्मकथात्मक उपन्यास लिखा है, जिसमें देवी अहिल्याबाई के प्रेरणास्पद जीवन में निहित संस्कार, संस्कृति, भारतीय मूल्यों और परंपराओं के साथ उनके पुण्य कार्य, राजनीति और युद्ध कौशल का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में मैं अहिल्या हूँ उपन्यास आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। लेकिन मेरे सैनिक गंगाधर राव पर पूरी नजर रखे हुए थे। उन्हें आनकाई दुर्ग में नजरबंद रखा गया। उनसे कोई मिल नहीं सकता था, न वे किसी से मिल सकते थे। होलकर वंश से की गई दगा से वे मन ही मन पश्चाताप करने लगे थे। उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा दान धर्म में खर्च कर दिया। पेशवा नारायण राव की मृत्यु के बाद जब राघोबा दादा पेशवा बने तो उन्होंने किले की कैद से छुड़ाकर उन्हें पूना बुला लिया। लेकिन मैं जानती थी कि उनका पुत्र यशवंत राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, तो मैंने उसे बुलाकर राज्य के वकील का पद दे दिया। इसी तरह मैंने गोविंद पंत गानू, जो बहुत विद्वान थे, उन्हें खासगी का कारोबार सौंप दिया। श्रीमंत पेशवा जी ने मुझे राजकाज चलाने के अधिकार दे दिए थे। मैं हमेशा होलकर राज्य की अधिकारिणी होने के नाते श्रीमंत पेशवा के प्रति निष्ठावान रहना चाहती थी। राज्य का कार्य मैं खुद देख रही थी, परंतु सेना की जवाबदारी तुकोजी राव को सौंप दी थी। मैंने श्रीमंत पेशवा जी को पत्र लिखकर तुकोजी राव के लिए सूबेदारी के वस्त्र मंगवा लिए थे। बाबा साहेब भी तुकोजी राव पर बहुत विश्वास रखते थे। अपने अंतिम समय में तुकोजी राव से कहा था, तुम ही मेरा नाम चलाओगे और माले राव को हमेशा संरक्षण दोगे। मैं माले राव का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। इसीलिए मैंने भी उन पर राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। वे मुझसे बोले, मातुश्री, आपने मुझे सूबेदारी का आशीर्वादात्मक उपहार दिया है, लेकिन मेरे लिए तो आप ही सूबेदार हैं, माता हैं, और आप ही मेरा खजाना है। आपके चरणों से दूर रहने के लिए भगवान खंडोबा भी कहें तो भी मैं इन चरणों से कभी दूर नहीं रहूँगा। युद्ध निरंतर जारी थे, जिसकी वजह से राज्य का धन मुहिम में खर्च हो रहा था। बाबा साहेब के समय युद्ध में जो भी संपत्ति मिलती थी उसकी रकम राज्य के खजाने में जमा हो जाती थी। लेकिन जब से तुकोजी राव ने मोर्चा संभाला था, संपत्ति राज्य में जमा नहीं हो पा रही थी और धन की कमी महसूस हो रही थी। मैंने कई बार इस विषय में तुकोजी राव से चर्चा कर की थी। अब उज्जैन से महाजी शिंदे, इंदौर से तुकोजी राव और महेश्वर से मैं राज्य का कामकाज देख रहे थे। मेरी बेटी मुक्ताबाई और यशवंतराव फंड से मुझसे मिलने आते रहते थे। मेरे दोनों भाई शाहजी दादा और महाजी दादा भी महेश्वर आते रहते थे। मुक्ताबाई का बेटा हुआ और कई दिनों बाद हवेली में खुशियां मनाई गई। बेटे का नाम नथ्याबा रखा गया। मेरी बेटी मुक्ताबाई बहुत ही समझदार थी। हवेली में जो भी अतिथि आते उनकी आवभगत करती, मंदिर की व्यवस्था में हाथ बटाती, पति यशवंतराव फंड से राजकाज में हाथ बटाते थे। नथ्याबा के दो विवाह हुए, एक का नाम बालाबाई था
और दूसरी का नाम गौरीबाई। मेरी सारी आशाएं अब नथ्यावा पर ही टिकी थीं। मैं उन्हें राजनीति, युद्ध नीति, शस्त्र विद्या सभी में निष्णात बनाना चाह रही थी, ताकि वे होलकर राज्य के योग्य उत्तराधिकारी साबित हों। पर नथ्याबा हमेशा बीमार रहने लगे। वे मेरी सारी बातें ध्यान से सुनते और उसे आत्मसात करने की कोशिश करते, फिर चाहे वो राज्य संबंधी हो या धर्म संबंधी। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखकर राजवैद्य को उनकी तीमारदारी में लगा दिया। मैं उनके लिए दान धर्म कर रही थी, लेकिन नियति ने मेरे लिए एक और नश्तर तैयार कर रखा था। मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ गईं। मेरी आशा और मुक्ताबाई यशवंतराव का लाडला हम सबको छोड़ ईश्वर को प्यारा हो गया। पूरे राज्य में शोक छा गया। मुक्ताबाई का पुत्र वियोग में विलाप हृदय को छलनी कर रहा था। यशवंतराव भी अपनी वेदना सह नहीं पा रहे थे। एक बार फिर नथ्याबाई के साथ सती होने वाली उनकी दोनों बालिका पत्नियों बालाबाई और गौरीबाई की चिता से उठती चीखों ने मेरी आत्मा को फिर से झुलसा दिया। लेकिन नियति की क्रूरता का अभी भी अंत नहीं हुआ था। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु का दंश मुक्ताबाई और यशवंतराव भुला नहीं पा रहे थे। यशवंतराव अपने दारुण दुख से उबर नहीं पा रहे थे और परिणामतः उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। लेकिन औषधियाँ और प्रार्थना काम नहीं आई और आखिर पुत्र वियोग में यशवंतराव ने भी जिंदगी से नाता तोड़ लिया। मुक्ताबाई अभी अपने पुत्र के बिछोह का आघात भुला भी नहीं पाई थी कि पति बिछोह का एक और शल्य उनके दुखी हृदय को बींध गया। तभी मेरे पास एक हृदय विदारक संदेश आया। मुक्ताबाई सती होने जा रही थी। मैं तुरंत उनके कक्ष में गई। मुक्ता सती के वस्त्र पहन पूरा श्रृंगार किए कृष्ण की प्रतिमा को बगैर पलक झपकाए देख रही थी। मैंने विभल सर में कहा, मुक्ता, ये क्या निर्णय ले लिया तुमने? जरा मेरी ओर भी देखा होता। अब कौन है मेरा, किसको देखकर मैं जीवित रहूं? मैं सती जा रही थी तब बाबा साहेब और सासू माँ ने रोक लिया था। तुम्हें और मालेराव को देखते हुए मैंने सती होने का निश्चय त्याग दिया था। अब तुम भी मेरी सुन लो। नहीं आई साहेब, पुत्र गया, पति गए, मेरी दोनों बालिका सुनबाई सती हो गई, मैं किसके लिए जीऊँ? तुम्हारी जरूरत राज्य को है, प्रजा को है। तुम लोक माता हो, तुम्हारी जरूरत हमेशा प्रजा को रही है। पर अब मुझे मत रोकना, मेरा निश्चय अटल है। और इस सती प्रथा ने एक और जीवित आहुति ले ली। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ रही। हे शिव, ये कैसी प्रथा है जिसकी ज्वालाओं ने हमेशा मेरे अंतर्मन को झुलसाया है? हे महादेव, इस हृदयहीन प्रथा से निर्दोष स्त्रियों को मुक्त कर दो। चिता की ज्वालाओं के साथ सारा महेश्वर धधक रहा था। एक शासक के सुख दुख कभी भी प्रजा के सुख दुख से बढ़कर नहीं होते हैं। अपने दुख को अंतर्मन की गहराइयों में रख अब मुझे प्रजा का हित देखना था, राज्य का हित देखना था। मैं सूर्यास्त से पहले उठ जाती थी। माँ नर्मदा का दर्शन कर पूजा घर में स्थित गणेश जी, शिव जी, बाल कृष्ण,
मल्लारे मार्तन की पूजा आरती करती थी। उसके बाद पोथी, पुराण, धर्म ग्रंथों का श्रवण करती, फिर ब्राह्मणों को भिक्षा दान करती, फिर मंदिर से बाहर निकलती थी। घने वृक्षों के साये में गांव से याचक आकर बैठते थे, उन्हें मैं अपने पास बुलाती। उनके गांवों में पदस्थ कमाविजदार उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं या नहीं, फसल कैसी रही, परिवार कैसा है आदि जानकारी लेती, तब सीधा देती थी। ये भी पूछती कि पानी पीने के लिए कुएं हैं या नहीं। ब्राह्मणों को दान देने के बाद जो अनाज बचता उसे मैं पक्षियों के लिए भेज देती थी। मेरा भोजन हमेशा सात्विक रहता। भोजन के बाद विश्राम करती, फिर दोपहर 2 बजे दरबार जाती और शाम तक वहाँ राज्य के बारे में विचार विमर्श होता। फिर संध्या समय धर्म कर्म, रात्रि में कुछ हल्के भोजन के बाद फिर 9 से 11 बजे तक राज्य का कामकाज देखती, उसके बाद शयन कक्ष में चली जाती। मैं हमेशा सही व्यक्तियों को परखती रहती थी। अन्न छत्र की व्यवस्था कौन देखेगा, मंदिर में कीर्तन के लिए किसे बुलाया जाए, कुएं खुदवाते समय ज़मीन में कहाँ पानी है, इसका जानकार कौन है, इन सबको काम देकर उचित मुआवजा देती। मुझे मूक जानवरों की भी चिंता अधिक रहती थी। गाय और बछड़ों के लिए चारे की व्यवस्था भी मैं ही करती थी। सर्वसम्मति से फैसला किया गया कि हर रोज़ सूखे घास की 150 पिंडियाँ गाय के लिए और 75 गठरियों की बछड़ों के लिए व्यवस्था की जाए। मैंने अपना स्वयं का एक बड़ा सा ग्रंथालय बनाया था। गीत गोविंद, मुहूर्त चिंतामणि, ज्ञानेश्वरी, आध्यात्म रामायण, व्यंकटेश स्तोत्र, भागवत आदि के कई ग्रंथ मेरे पास थे। पूजा के बाद मैं इन्हीं धर्म ग्रंथों का पाठ ब्राह्मणों से सुनती थी। मेरे साथ महेश्वर के कई लोग भी श्रवण करते थे। मेरा विशाल ग्रंथ संग्रह होने से कई ब्राह्मण विद्वान अध्ययन के लिए महेश्वर आते रहते थे। मैंने औषधियों की जानकारी भी राजवैद्य जी से सीख ली थी। हवेली में किसी की तबीयत खराब होने की सूचना मिलती तो मैं खुद उनके लिए औषधि तैयार करती। मेरे परिवार के वो लोग जो अपने शौर्य की अमिट गाथा इतिहास के पन्नों पर लिख अनंत में विलीन हो गए थे, मैं उनके स्मारक छत्री के रूप में बनाना चाहती थी। आलमपुर में बाबा साहब का निधन हुआ था, वहाँ मैंने अपनी देखरेख में एक भव्य छतरी का निर्माण कराया। एक पक्के चबूतरे पर कलात्मक छतरी का निर्माण कराया। इसका निर्माण करने के लिए जयपुर, इंदौर से प्रसिद्ध शिल्पियों की मदद ली गई। प्रवेशद्वार पूर्वामुखी रखा, जिसकी 3 मंजिलें थी। उस स्मारक में मराठा मुगल शैली का मिश्रण रखा। छतरी के गर्भगृह में बाबा साहेब की आदमकद प्रतिमा स्थापित की। उनकी बाई और गौतमाबाई सासू माँ और साथ में सती हुई द्वारकाबाई सासू माँ और बनाबाई सासू माँ की प्रतिमाएं भी स्थापित की। एक शिवलिंग भी प्रतिष्ठित किया। छतरी के बाहर एक विशाल बगीचा बनाया। बगीचे के बीच एक बावड़ी भी बनाई। आलमपुरा में ही अहिल्याबाड़ा, खंडेराव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा रेणुका मंदिर भी बनवाया। जेजुरू में भी मैंने बाबा साहेब की छतरी बनवाई। कुंभेर के पास गांगासोली गांव में स्वामी खंडेराव जी की स्मृति में छतरी का निर्माण कराया। छतरी के रखरखाव व प्रतिदिन नैवेद्य आदि के लिए 22 बीघा जमीन दी।
इंदौर में भी खंडे राव जी की छतरी बाबा साहेब की छतरी के पास बनवाई। उसमें खंडे राव जी की भव्य प्रतिमा के साथ उनकी दूसरी पत्नियों की मूर्तियां भी स्थापित की। परंपरा के अनुसार यहाँ भी शिव जी का मंदिर बनवाया। द्वार पर नंदी जी विराजमान हैं। यहाँ भी मैंने पूजन के साथ विधि विधान से शिव जी की पिंड स्थापित की। माले राव की स्मृति में भी स्मारक के रूप में छतरी का निर्माण किया। यह छतरी शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण थी। इसमें भी 12 सुंदर स्तंभ बने हुए थे। प्रवेश द्वार के दोनों ओर देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई थी। ऊपरी भाग में तलवार हाथ में लिए भैरव जी और श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ प्रतिष्ठित किए गए। स्तंभों पर कमल के फूल उकेर कर बेल बूटे बनाए गए। गर्भगृह में मालेराव जी की प्रतिमा के साथ उनकी पत्नियों की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई।